गुड इवनिंग और स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल ट्रेडिंग सेटअप में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडिकेटर जो मार्केट में हम EMA का प्रयोग करेंगे, तीन EMA का प्रयोग करेंगे और ये सेटअप आपको दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मार्केट का ट्रेंड जब बुलिश हो तब तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, मार्केट का ट्रेंड जब बुलिश है यहाँ से यहाँ तक का तब तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मार्केट साइडवेज हो जा रहा है तो वहाँ पे हमें लॉस होने की संभावना है, तो इस लॉस से बचने के लिए मैं यहाँ पे कुछ दूसरा उपाय करूँगा कि इस लॉस से कैसे बचा जाए। बाकी जब मार्केट का ट्रेंड अप है तब प्रॉफिट मिल रहा है, मार्केट का ट्रेंड जब डाउन है तब भी हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड जब मार्केट ट्रेंडिंग में हो तब तो हमें प्रॉफिट मिल जा रहा है, लेकिन साइडवेज मार्केट में हम लोग कैसे बचेंगे। ये साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे भी कुछ मार्केट साइडवेज है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हर बार प्रॉफिट मिल रहा है। मार्केट अप ट्रेंड में है तब भी प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम लोग साइडवेज मार्केट से कैसे बचेंगे। साइडवेज मार्केट से बचने के लिए ये कुछ तरह का इंडिकेटर कुछ इस तरह का दिखाई देगा, आपको देख सकते हैं ये आपको। यहाँ पे हम एक और इंडिकेटर लगाएंगे, मार्केट अब डाउन ट्रेंड में है तब हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, मार्केट जब डाउन ट्रेंड में है तब हमें अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, हमेशा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। मार्केट जब अप ट्रेंड में है तब भी प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फंस सकते हैं जब मार्केट साइडवेज हो तब हम फंस सकते हैं। तो इसके लिए मैं कोई और उपाय लगाया हूँ यहाँ पे कैसे इससे बचा जाए, जब मार्केट साइडवेज हो तब भी हम फंस सकते हैं। तो साइडवेज मार्केट से बचने का एक ही उपाय है, एक दूसरे इंडिकेटर का हम यूज किया यहाँ पे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चले आना है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, और ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेना है और इंडिकेटर में जाकर सर्च करना है 3 मूविंग एवरेज, ठीक है। थ्री मूविंग एवरेज 11,274 यूजर है इसके, इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे लगा लेना है। ध्यान से देखें यहाँ पे, इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पे लगा लेना है और इसके सेटिंग में जाना है, ये TEMA है, इसके सेटिंग में जाना है। इसके सेटिंग में जा करके यहाँ पे 48 लिखना है, लेंथ यहाँ पे 48 लिखना है, यहाँ 48 लिखना है, सोर्स ओपन हाई लो, ठीक है, ओपन हाई लो रखना है, सोर्स रखना है, ओपन रखना है, पहला EMA का ओपन रखना है, दूसरा का हाई रखना है, तीसरा का लो रखना है। इस तरह से आपको एक चैनल मिल जाएगा, ठीक है, और कलर अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, बाकी ओके कर देंगे। ये पहला इंडिकेटर आपके सामने इस तरह का लग जाएगा। इस इंडिकेटर का नियम यह है कि जब मार्केट इस चैनल के ऊपर चल रहा हो, यानी कि मार्केट बुलिश है, जब भी मार्केट इस चैनल के ऊपर चल रहा है तब तक मार्केट बुलिश है, ठीक है। जब इस चैनल के ऊपर चल रहा है मार्केट तब बुलिश है। ट्रेड करने का तरीका क्या है, ट्रेड करने का तरीका ये है कि हमें मार्केट जब इतना ऊपर चल रहा है चैनल के, तो यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं बनानी है, पोजीशन बनानी है इस कैंडल पे। यहाँ पे कोई सिग्नल मिलता है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है तब हमें पोजीशन बनानी है इस लाइन के पास। जब सपोर्ट लेता है मार्केट और यहाँ पे कन्फर्म होता है, कैंडल स्टिक से देख सकते हैं, चार्ट पैटर्न से देख सकते हैं या कोई इंडिकेटर से देख सकते हैं, जब इस लाइन को टच कर रहा होता है मार्केट, यहाँ पे चल रहा होता है, यहाँ पे कोई सिग्नल मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकता है, तब अपना पोजीशन बनाना है, ठीक है। मार्केट जब इतना ऊपर चल रहा है तो यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं बनानी है। यहाँ पे कुछ सिग्नल भी मिलता है, कुछ कोई चार्ट पैटर्न भी बनता है, कोई कैंडल स्टिक आप देखते हैं, हैमर डोजी जो भी देखते हैं, ठीक है, तब भी आपको पोजीशन नहीं बनानी है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक इंडिकेटर लगा रहे हैं यहाँ पे, ध्यान से देखेंगे। जब इधर कहीं सिग्नल मिल रहा है इतना दूर में, अगर कोई सिग्नल मिल जाता है तो अपना पोजीशन बनाएंगे बुलिश का, अगर सिग्नल नहीं मिलता है तो यहाँ पे जाकर के अपना पोजीशन नहीं बनानी है, इस लाइन के पास ही हमें पोजीशन बनानी है अपनी। और जब भी पोजीशन बनाएंगे तो इस लाइन के पास बनाएंगे, जब जब इस पोजीशन बनाएंगे इस लाइन के पास, हमें प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा है। यहाँ पे अगर पोजीशन मिल रहा है, यहाँ पे अगर बेरिश ट्रेड का कोई सिग्नल मिल रहा है तो यहाँ पे हम पोजीशन बनाएंगे,
और इससे नीचे जब यहाँ पे जाके पोजीशन देगा तो हम पोजीशन नहीं बनाएंगे, ये इसका रूल्स है। ठीक है, यहाँ पे अगर सिग्नल मिलता है बेरिश का तो अपना पोजीशन बनाएंगे और स्टॉप लॉस इसके लाइन के ऊपर ही रहेगा, इस लाइन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस कैंडल पे अपना पोजीशन बनाएंगे या स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे। ठीक है, इस कैंडल पे अपना पोजीशन बनाएंगे या इस कैंडल पे अपना पोजीशन बनाएंगे, इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, इस कैंडल पे अपना पोजीशन बनाएंगे, इसके लाइन के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखेंगे अगर यहाँ पे सिग्नल मिलता है तो। ठीक है, इधर कहीं भी अगर सिग्नल मिलता है तो हम पोजीशन नहीं बनाएंगे। अगर यहाँ पे अगर पोजीशन मिलता है, सिग्नल मिलता है कि बाइंग की संभावना है, यहाँ से मार्केट बुलिश है तो अपना पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे अगर इधर सिग्नल मिलता है तो पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, अगर इधर सिग्नल मिलता है तो पोजीशन नहीं बनाएंगे, यहाँ पे सिग्नल मिलता है तो पोजीशन बनाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि इस लाइन के पास अगर सिग्नल मिलता है बुलिश या बेरिश, अगर मार्केट नीचे की तरफ चल रहा है, इस लाइन के नीचे चल रहा है, यहाँ से बेरिश सिग्नल मिलता है तो हम पोजीशन बनाएंगे। इसके लिए दूसरा इंडिकेटर जिसका नाम है CTI, मैं इसे यूज कर रहा हूँ, कोरल ट्रेंड इंडिकेटर। यहाँ पे सर्च करेंगे CTI लिख के, आपके सामने दो इंडिकेटर आएगा, तो इस इंडिकेटर को लगाना है, पहले वाले इंडिकेटर को नहीं लगाना है, इस इंडिकेटर को लगाना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, आपके सामने इंडिकेटर लग जाएगा, उसी तरह का इंडिकेटर लग जाएगा। ठीक है, इस तरह का इंडिकेटर लग जाएगा। ठीक है, अब पोजीशन कैसे बनानी है, जैसे बाय का सिग्नल मिला है इस कैंडल पे जाके, तो यहाँ पे हमें पोजीशन नहीं बनानी है, इसे एक बार नीचे आने देना है, इसे सपोर्ट लेने देना है। जब सपोर्ट ले लिया मार्केट तब तक बुलिश है, तो यहाँ पे इसी कैंडल पे बुलिश कैंडल बना, यहाँ पे अपना पोजीशन बनाएंगे और मार्केट में अपना पोजीशन बना के ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे बुलिश सिग्नल दिया है, इस कैंडल पे बुलिश सिग्नल दिया है, इस लाइन के पास ही है, तो अपना पोजीशन बना लेंगे और स्टॉप लॉस नीचे रख लेंगे, आपको प्रॉफिट ही होने वाला है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखें, इस कैंडल पे सिग्नल मिला है, इस कैंडल पे मार्केट में सिग्नल मिला है बेरिश का, तो अपना पोजीशन बना के यहाँ पे स्टॉप लॉस रख करके ये वाला ट्रेड ले सकते हैं। जैसे मार्केट में इस कैंडल पे सिग्नल मिला है यहाँ आकर के, तो ये इतना दूर आके अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, यहाँ पे आके अपना पोजीशन नहीं बनाना है, पोजीशन इस लाइन के पास ही अगर सिग्नल मिलता है तभी बनाना है। देखिए, जैसे यहाँ पे सिग्नल मिला है बुलिश का सिग्नल मिला है, इस लाइन के ऊपर भी चल रहा है मार्केट, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, इतना रिस्क लेना पड़ेगा यहाँ पे आप, क्योंकि ये मार्केट नीचे आकर के अपना सपोर्ट भी ले सकता है। यहाँ पे मार्केट में आपको स्टॉप लॉस कटने की संभावना, जैसे यहाँ पे सिग्नल मिला कि मार्केट बेरिश है, अपना पोजीशन बना लिया, स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लिए, फिर से मार्केट बुलिश हो गया, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस काट सकते हैं। ठीक है, अपना स्टॉप लॉस काट सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे, जैसे रेड सिग्नल दिया है बेरिश सेल का, सेल करने का सिग्नल इस लाइन के नीचे भी आ चुका है, तो यहाँ पे अपना पोजीशन बना लेंगे, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखेंगे, आपको अच्छा प्रॉफिट निकाल के यहाँ पे देगा। तो इसे बैक टेस्ट करें, यूज करें, देखें, समझें। अगर आपको ये इंडिकेटर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे।